These are the complications which can arise in a patient who has chemical injuries. अच्छा, एक क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में कि सिम्ब्लेफ्रॉन वाली में वो है एक्ट्रोपियन है कि नहीं। तो यस, देर इज सम डिग्री ऑफ एक्ट्रोपियन, दैट्स अ गुड पिक। एक्ट्रोपियन क्या होता है? इवर्जन। तो अब ये पता लगाने के लिए इसमें हमें लग रहा है इन पिक्चर वी सिंग ए लिड इवर्टेड है। अब ये हम कंफर्म नहीं कर सकते कि लिड जो बाहे की तरफ है ये क्या फिजिकल एग्जाम कहते हुए उन्होंने नीचे इवर्जन की है या फिर ये वैसे ही नेचुरली ऐसे इवर्टेड था। अगर बगैर किसी एग्जामिनेशन के या बगैर पेशेंट को हाथ लगाए हुए उसके लिड की यही हालत है और इस तरह नजर आ रहा है तो देन यस दिस इज ए साइकेट्रिशियल एक्ट्रोपियन। बट मोस्ट लाइकली आई एम थिंकिंग कि इस पेशेंट का जब इन्होंने एडिशन दिखाने के लिए लोअर लिड को बाहर की तरफ या खुद थंब से डाउनवर्ड पुल किया है उसकी वजह से ऐसा हमें नजर आ रहा है। तो इट्स अ गुड पिक कि ये सिचुएशन एक्ट्रोपियन की है बिकॉज द लिड इज टर्न्ड आउटवर्ड्स। दिस वॉज अवर केस ऑफ केमिकल इंजरीज। ऑलवेज रिमेंबर हिस्ट्री से आपको अंदाजा हो जाएगा केमिकल इंजरी है। वाई डू वी नीड टू परफॉर्म दीज एग्जामिनेशन? ताकि हमें एक्सटेंट कन्फर्म हो, हम देख सकें सिवियरिटी कितनी है और उस लिहाज से बाकी आगे प्रोग्नोसिस मैनेज कर सकें, सॉरी फर्दर मैनेजमेंट को हम देख रहे हैं क्या क्या करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेशेंट आया है इरीगेट विद व्हाट? नॉर्मल सेलिन और इंगस फॉर 15 to 20 मिनट्स अंटिल पीएच इज नॉर्मल। यू कैन ऐड टॉपिकल या लोकल एनेस्थीजिया एंड यू कैन ऑल्सो यूज क्लैम्प्स टू हेल्प। देन व्हाट वी डू, देखना है कि अगर ज्यादा डैमेज है तो डिब्राइटनिंग भी कर सकते हैं, पूरी तरह लिड को देख लेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। अगर उसके बाद हम इन पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे, स्टीरॉयड साइक्लोप्लीजिया टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जो अगर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे, इन्फ्लेमेशन कम करेंगे, हीलिंग को प्रमोट करने के लिए एसिटाइलसिस्टीन, विटामिन सी, ज्यादा डैमेज है वी कैन कंसिडर दीज सर्जिकल ऑप्शंस। दिस वाज द मैनेजमेंट ऑफ केमिकल इंजरीज। दिस वाज आवर केस ऑफ केमिकल इंजरीज। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस केस? भाई ब्लेफरोस्पाज्म का क्या रीजन था सर? ब्लेफरोस्पाज्म की वही रीजन है कि कभी आपकी आंख में बाल जला जाए या मिट्टी भी चली जाए तो आप आंखें फौरन बंद कर लेते हैं ना। या हम परफॉर्म कहते थे सेकेंड ईयर में कॉर्नियल रिफ्लेक्स, जिसमें रुई को हम साइड से लेकर यस आते सर, थे और कॉर्निया पे टच करते थे। इट्स द सेम रीजन ओवर पेशेंट हियर। कॉर्निया इज वेरी सेंसिटिव एंड इफ द पर्सन इफ देयर इज डैमेज और इफ देयर इज अननॉक्सियस स्टिमुला इन द कॉर्निया, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस आर एक्टिवेटेड। क्या प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है? आई क्लोज हो जाती है, दैट विल ऑलवेज बी एक्टिव। रिफ्लेक्स को तो आप खत्म नहीं कर सकते, आप रिफ्लेक्स के इनपुट को खत्म कर दें, एनेस्थीजिया टॉपिकल एनेस्थीजिया अप्लाई कर दें ताकि पेन सेंसेशन खत्म हो जाए, ब्लेफरोस्पाज्म खत्म हो जाए। आपकी मैनेजमेंट में भी इजी रहेगा और पेशेंट के भी लिए एक इमीडिएट कंफर्ट होगा क्योंकि 10/10 पेन है। 10/10 पेन मींस दैट इट इज द वर्स्ट पेन ही हैज फेल्ट इन हिज लाइफ। ये आप मतलब डबल फायदा है टॉपिकल। दिस वाज केमिकल इंजरीज। भाई अगर हमारे पास जो आई है उसका जो कॉर्नियल हेजीनेस है वो एक बार रिजॉल्व हो जाए तो रिफ्रैक्टिव एरर्स के चांस होते हैं भाई? अनलाइकली है, मतलब आपने बहुत ही ऊपर का सवाल पूछा, मुझे इतना पता नहीं है। जो मैंने अभी तक टेक्स्ट में पढ़ा है ना इस बारे में, ये मैंने नहीं कर पढ़ा ना कॉर्निया में या केमिकल इंजरीज में कि रिफ्रैक्टिव एरर का चांस हो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर का है रिफ्रैक्टिव पावर का चेंज होना। हो सकता है कि मतलब हीलिंग के दौरान कॉर्निया स्ट्रोमा के थिकनेस कम हो जाए, लेकिन अगर थिकनेस कम होगी तो उसी के बराबर हीलिंग के दौरान हमें कोई ओपेसिटी मिलेगी। तो एज सच आई जी एम नॉट श्योर कि रिफ्रैक्टिव पावर में चेंज आ रहा है, लेकिन विजुअल एक्विटी में चेंज जरूर आ सकता है इफ देयर इज परमानेंट ओपेसिटी। ओके रिफ्रैक्टिव एरर, आई एम सॉरी आई डोंट नो द आंसर। तो ये हमारे पास पेशेंट था केमिकल इंजरीज का। लास्ट टाइम वी सॉ दीज डिफरेंट मैकेनिकल इंजरीज, दोबारा मैं इनको रिपीट कर लूँ। ब्लो आउट वाली रो ये है, टेक अ लुक एट दिस पिक्चर्स बोथ को लेकर के, ब्लो ब्लो आउट फ्रैक्चर, लंग ट्रॉमा, परफोरेशन, सॉरी रप्चर। जी
penetrating injury, superficial foramen body, extraoccular foramen. तो we discussed chalcosis, जिसमें मैंने text भी साथ डाल दिया था कि इसमें important क्या चीज थी. ये an alloy with a relatively low copper content results in chalcosis. और high copper content होगा तो violent endophthalmitis type picture आपको. ये हमने chalcosis discuss किया था and I said that there is a condition in which iron foreign body is deposited. जब iron foreign body deposited होगी, we will see a picture like this. मैंने ये पूछा था कि what is happening in this picture? Does anyone know what's happening in this picture? Text में आपकी lines लिखी हुई हैं. No, it's not necrosis. तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं. This picture is about what's written in your text. Books में यही line जो मैं describe करूँगा वही लिखा है. And it fits the picture perfectly. तो let's take a look. हमें ये नजर आ रहा है कि this is the pupillary margin. अब pupil के अंदर कुछ है. This is the iris over here. यह मैं iris को mark कर रहा हूँ. What we're seeing in this picture, we are seeing the lens. There are opacities in the lens. ये बात तो हमें बता लगा कि मैं बुक की लाइन रीड करने लगा हूं और मैं रीड करूंगा तो आई एम थिंकिंग इट विल मेक सेंस टू यू. तो वी कैन सी द एंटीरियर लेंस. व्हाट आर वी सीइंग? दैट देयर आर सम बट ओवलिश और मतलब राउंडेड मतलब पैचेस विद हैव राउंडेड एजेस. ये भी ट्रायंगुलर था लेकिन इट हैज राउंडेड नॉट शार्प मार्जिंस. सिमिलरली राउंडेड राउंडेड ओवलिश राउंडेड मतलब राउंड ओवल ओवल इस तरह राउंड राउंड. We have these oval patches and they appear brownish or rusty colored. So these are oval patches of rust colored deposits. And how are they arranged? They are arranged radially. Radially se kya murad hai? Circularly. So these are arranged radially. And they are arranged and towards the margin of the pupil. Pupillary margin ke bilkul saath hai. तो ये जो फाइंडिंग है दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिडरोसिस एंड आई डोंट एग्जैक्टली नो कि इसका कोई नेम है या कोई बजवर्ड है बट दीज आर रस्टी ओवल पैचेस इन द कॉर्निया एंड दीज आर फाउंड इन सिडरोसिस. जिसको हमने चार्कोसिस में बात की कि देयर वाज अ सनफ्लावर कैटरैक्ट इन सिडरोसिस वी हैव दीज रस्टी ओवल पैचेस एट द. तो रिलेटिंग टू मैकेनिकल ट्रॉमा वी हैव अनदर केस. थोड़ा सा डिफरेंट है बट आई वांटेड कि ये भी हम डिस्कस करें. रीड द हिस्ट्री देन वी विल डिस्कस द केस. सो क्या बात है? हमारा पेशेंट है 24 year old. प्रेजेंट्स टू विद डिफिकल्टी इन विजन एंड पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन हिज लेफ्ट आई. अल्लाह करे मैंने आंख सही रखी हो, मैंने आंख गलत रखी है. Difficulty, vision and pain, discomfort. These are his chief presenting symptoms. In his eye, left ko bhi chhod de, maine gaddi likha hua. These symptoms started a few days ago. So for the last couple of days or a few days, he has had difficulty, pain and discomfort, and it's unilateral. Pain is especially severe in the presence of light. What does this mean? आपको कह रहा है कि फोटोफोबिया रोशनी में ज्यादा मसला हो रहा है. तो फोटोफोबिया इट्स इंडिकेटिव ऑफ आइदर कॉर्नियल और यूवियल डिजीज. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. फोटोफोबिया डिफिकल्टी इन विजन आवर पेशेंट यूनिलैटरल. सो वी आर थिंकिंग आइदर यूनिलैटरल और व्हाट हम देख लेते हैं. तो क्या है 10 days फर्दर हिस्ट्री में क्या मिलता है? 10 days बैक द पेशेंट सफर्ड एन इंजरी इन हिज राइट आई. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जिस आंख के साथ मसले में आ रहे हैं वो उनकी बाई आंख है. His chief presenting complaint is regarding to one eye. और हिस्ट्री में हमें मिल रहा है कि in the other eye he suffered an injury. How many days back? 10 days back. She visited the emergency department of nearest hospital. मैनेज हुआ वहां पर. He was discharged with medication and advised to follow up. दवाइयां थी और उन्होंने कहा कि माहिर डॉक्टर से चेकअप करवाएं.
However, he has not been compliant with the medication. उन्होंने कहा दवाई मैं नहीं लूंगा और मैं डॉक्टर को भी नहीं दिखाऊंगा. We have a very peculiar history. Our patient, he has developed symptoms. Symptoms हम localize कह रहे हैं यहाँ पे कॉर्निया में है या यूविया में है. But the thing is कि उस आंख में हमें कोई damage की history नहीं मिल रही. उनकी दूसरी आंख जो है it had a trauma. It suffered an injury 10 days back. So 10 days back our patient suffered injury in his one eye. And after 10 days in the other eye he started developing difficulty in vision, pain, photophobia, etc. So how will you work up this patient? कुछ चीजें तो मैंने पहले लिख ली हैं, कुछ हम आगे देख लेते हैं. How will you work up this patient? Visual acuity. What would you expect the visual acuity of this patient to be? मैं खुद बता देता हूँ, it's reduced. ठीक है, let's say it's 6/36. Both eyes. You ask about the extraocular movements. I say they are normal and painless. कोई मसला नहीं है. Ask about the pupils. Pupils are they reactive bilaterally? Yes. Reactive bilaterally. ये examinations मैंने जल्दी जल्दी गुजार दी हैं और ये normal है. लेकिन आपको पता है कि इनके normal होने से हम कितना कुछ exclude कर गए हैं. Pupils normal हैं, reactive है तो हम optic nerve की diseases exclude कर गए हैं. Extraocular movements normal है तो हम squint हम कर गए हैं, हम retrobulbar neuritis को exclude कर गए हैं. That what should be the next thing which we do? Endoscopy. Endoscopy से पहले कुछ करते हैं. Endoscopy में बहुत कुछ मिलता है लेकिन slit lamp से we will do an anterior chamber examination. Anterior examination हम slit lamp से भी कर सकते हैं, हम direct ophthalmoscopy से भी कर सकते हैं. मैं आपको ये बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों मोडालिटीज हम यूज कर सकते हैं. स्लिट लैम्प से ज्यादा नजर आता है, बेहतर नजर आता है, इसलिए दैट इज द मेन थिंग वी ऑलवेज शो यू, ऑलवेज टेल यू कि ये मोडालिटीज आपने याद रखनी है. सो वी परफॉर्म एन एंटीरियर एग्जामिनेशन यूजिंग अ स्लिट लैम्प. तो लेट सी, थोड़ा सा ओरिएंटेशन का मसला आ रहा है. आई थिंक मैं थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर लूँ. हिज सिम्टम्स दे डेवलप्ड इन हिज लेफ्ट आई. सॉरी, जो अभी कंप्लेंट्स हैं राइट आई में है और इंजरी जो है उनकी लेफ्ट आई में है. थोड़ी सी कंफ्यूजन ताकि मैं बाद में मसला ना, सॉरी अबाउट दैट. मैं तस्वीरें जो है आगे पीछे से उठा लेता हूँ तो मसला बन जाता है. तो दिस इज हिज लेफ्ट आई विच सफर्ड द इंजरी. इट्स अ डायरेक्ट, इट्स अ फिगर, इट्स नॉट द एक्चुअल पिक्चर, बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन अप्रिशिएट इन दिस फिगर. क्या है गड़बड़ इस मतलब इस आंख में? नॉर्मल है कि नहीं? इज दिस नॉर्मल? नो, इट्स नॉट नॉर्मल. ना इन द चैट बॉक्स वी हैड वन आंसर, आयरिस प्रोलैप्स, दैट्स गुड. देखिए आयरिस बाहर निकला हुआ है. आयरिस किससे बाहर निकला हुआ है? दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग आई वांट टू से. इट इज एन आयरिस प्रोलैप्स टू व्हाट? कॉर्निया. कॉर्निया को, इसको हम क्या कहेंगे? आयरस प्रोलैप्स थ्रू कॉर्नियल टियर. तो हमें एक थ्रू एंड थ्रू इंजरी मिल रही है, राइट? थ्रू से मुराद है फुल लेयर इंजरी. सो हमें हिस्ट्री पास भी इंजरी की है. वी हैव एन एविडेंस दैट ऑल ऑफ द लेयर्स हैव बीन डिस्टर्ब्ड. सो दिस इज एन ओपन ग्लोब इंजरी. इज इट अ पेनिट्रेटिंग इंजरी और इज इट अ परफोरेटिंग इंजरी? Penetrating. Why is this penetrating and why is this not perforating? Because one wound of entry can be seen. Entry नजर आ रहा है ना, हमें exit कभी तक नहीं पता. So this is a penetrating corneal injury. The iris is prolapsed. That is good. एक हमारे पास काफी important finding है. और क्या मसला है? Hyphema. We are seeing blood in the anterior chamber. That is correct. This patient has hyphema. और क्या है? Circumciliary congestion. That is true. This patient has circumciliary congestion. Look at all these dilated blood vessels. This patient has congestion. Aur kya hai? Keratic precipitates, KPs. Look at these spots. Jo cornea ke underside pe lage hain. These are
keratic precipitates. That is true. This patient has keratic precipitates. Aur kya masla? There's that green patch, like green corneal patch, ulcer. Corneal ulcers, right? This looks like a dendritic corneal ulcer. We have a corneal ulcer as well. What else is abnormal? Chalo, ek aur hume cheez hai, so there's a corneal opacity over here, opacity. with corneal vascularization. That's true. What else is wrong? Aur kya hai? Pupillary margin is uneven. Uneven pupillary margin, right? Pupillary margin is uneven. Ek to prolapse ki wajah se. Secondly, we've seen that it's attached posteriorly with the lens, I think. Aise lag raha hai, piche ki taraf attachments ja rahi hain. What is this? Posterior synecdoche. Posterior synecdoche with a festooned pupil. So in the right eye, in the injured eye, confusion to karne ke liye, in the injured eye, we're seeing iris prolapse through a penetrating corneal injury, and we're seeing keratic precipitates, we're seeing hyphema, we're seeing posterior synecdoche. और अभी के लिए हम इन दो को छोड़ देते हैं. So, yeah, pingacula is basically मिलेंगे. Pingacula is a yellowish spot. This is a corneal opacity. Yeah, ये अगर आपको this is not a pingacula. This is actually the reflection from a slit lamp. इससे आप confused ना होइएगा. तो यहाँ पे vascularization है and it's white. That's why it's a corneal opacity. So, in the injured eye, what are we seeing? We're seeing iris prolapse, we're seeing a penetrating injury, and we're seeing signs of uveitis, keratic precipitates, posterior synecdoche, and hyphema. This was the injured eye. And when we saw the other eye, jisme abhi symptoms develop ho rahe, what can we appreciate in this eye? Iske liye maine aapko figure dikha diya. Corneal opacity. So you think these small spots are corneal opacities? ये वाले ना, ये छोटे छोटे dots नजर आ रहे हैं ये सारे. These are not actually corneal opacities. These are keratic precipitates. Keratic precipitates. कौन से keratic precipitates हैं ये? सवाल ही पैदा होता है. Mutton fat. Mutton fat KPs. ठीक है, that's good. इसमें के large KPs अगर नजर आए, तो they are called mutton fat keratic precipitates. These are mutton fat KPs. In fact, KPs किस डिजीज में नजर आते हैं? किन डिजीजेस में? Iridocyclitis. बिल्कुल ठीक है. Normal KPs भी iridocyclitis में नजर आते हैं. There's a difference in the etiology. चलो ये आप मुझसे एंटर पूछना. I'll tell you the answer. So when we perform an anterior chamber examination, what we're seeing, हमें एक पे mutton fat KPs नजर आए, दूसरे में हमें uveitis और penetrating injury नजर आए. So लेफ्ट आई थी इंजर्ड आई. लेफ्ट आई में पेनेट्रेटिंग इंजरी थी विद व्हाट? एंटीरियर यूवेआइटिस, क्योंकि हमें साइंस नजर आ रहे हैं. राइट आई में क्या है? मटन फैट केपीज हैं. मटन फैट केपीज क्या सजेस्ट करते हैं? यूर राइट, आइरिडोसाइक्लाइटिस. मटन फैट एम एफ केपीज होने का. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा मैं, तो आई एम यूजिंग दिस. After that, we perform a fundoscopy. बिल्कुल ठीक है. Fundoscopy में अभी से आपको बताता चलूं, जो injured eye है, we're not seeing anything wrong with this. For our discussion, at the moment, कुछ भी हो सकता है, but for our discussion, left eye is unremarkable. However, we would like to perform a fundoscopy of the right eye, जो injured eye है. क्या नजर आ रहा है हमें? ऐसे तो कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे. मुझे भी नहीं, कुछ मसला नहीं नजर आ रहा. I cannot appreciate anything much. ठीक है, बस थोड़ी सी white horizontal streaks नजर आ रही हैं, but we're not sure. So in image A, we're not able to see that much. Let's take a look at this image B. So image B कहाँ है? This is a disc over here. जो ये डिस्क थी वो इधर बिल्कुल नीचे है. तो व्हाट आर वी सीइंग इन दिस पिक्चर? मतलब व्हिच पार्ट ऑफ द रेटिना आर वी सीइंग? इज इट द सेंट्रल रेटिना, फोविया, और इज इट द पेरिफेरल रेटिना? सो इन द पेरिफेरल रेटिना वी सीइंग दिस एक्सुडेट दिस डॉट.
तो सॉफ्ट एक्सुडेट रुई के धागों की तरह का होता है ना, तो इट वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस। आपको सॉफ्ट एक्सुडेट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सॉफ्ट एक्सुडेट ऐसे लगता आपको, तो इट इज राउंड, इट्स ओवल एंड इट डज नॉट हैव दोस लाइंस। तो यस, इट कैन बी अ सॉफ्ट एक्सुडेट बट इट्स ओवल एंड इट्स प्रेजेंट एट द पेरिफेरल रेटिना। What is this? Intraocular foreign body. Intraocular foreign body. अच्छा, this is of the right eye. Right eye पे penetrating is भी नहीं है। इस आई में हो सकती थी, लेकिन इस आई में कोई मसला नहीं है। तो उसको हम बिल्कुल हमेशा आई को investigate करना चाहिए intraocular foreign body। बात ठीक है। तो it's unlikely that this patient has a foreign body in his right eye because there is no penetrating injury. And on examination, he couldn't find anything suggested for penetrating injury. Epithelium, retina में epithelium नहीं होता. Neurosensory epithelium आपकी बात ठीक है. Loss of neurosensory epithelium मैं कहूँगा एक हद तक ठीक है. But you will have to be a little more specific. चलो, on the peripheral examination, we're seeing a roundish spot in the peripheral retina. And on A, because it's a 2D image, we're not able to appreciate that much. तो मैं आपको लिख लेता हूँ कि इस पेशेंट में क्या है, फिर हम देख लेते हैं। राइट आई क्या मिला है हमें, स्पॉट एट पेरिफेरल रेटिना। इफ आई टेल यू दैट रेटिना इज डिटैच्ड एट द मैक्यूला, तो विच एग्जामिन इन्वेस्टिगेशन वुड यू लाइक टू परफॉर्म अगर आप टू व्यू द एक्सटेंट ऑफ दिस रेटिनल डिटैचमेंट? ओसीटी ठीक है। तो यू वांट टू परफॉर्म एन ओसीटी, एन ऑप्टिकल कोहेरेंस टोपोग्राफी। व्हेन यू परफॉर्म एन ओसीटी, दिस इज व्हाट यू सी, दिस इज द फोविया एंड एज यू कैन सी देयर इज अ सेपरेशन ओवर हियर। सो दिस इज अ रेटिनल डिटैचमेंट और as it is at the macula, this is the fovea, तो मैक्यूला पर हो रही है ना, it's a macular detachment. तो ये थोड़ा सा अगला पार्ट रेटना है जिन्होंने पढ़ा हुआ उनके लिए बेहतर होगा। What are the three types of retinal detachment? किसी को पता है रेटना के डिटैचमेंट की कौन सी थ्री टाइप्स होती हैं? Pigmatogenous, बिल्कुल नॉन रिग्मैटोजेनस, दैट्स गुड, दैट्स अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन, इट्स वेरी करेक्ट। तो हम दोबारा इस पे आ जाते हैं। हमें ओसीटी पे डिटैचमेंट मिल रही है। इन दीज टू फिगर्स कैन वी अप्रिशिएट एनी रेटिनल टेयर? हमें लग रहा है कहीं से रेटिना कटा हुआ है। इज इट टेयर्ड इन एनी प्लेस? नो, दैट्स करेक्ट, नॉट अप्रिशिएट। डिटैचमेंट देखो सेंटर पे ना फोविया में, तो डिटैचमेंट की साइड का हमें कोई टेयर नहीं मिल रहा। सेकेंड थिंग, are we seeing any tractional band? Are we seeing any fibrosis at the macula, at the site of detachment? No. So it's neither tractional, it's neither rhegmatogenous. This is a serous fractional retinal detachment. So it's a serous RD. We have a patient who has a serous retinal detachment. Now I think itni basis pe hamara diagnosis ban jata hai. Anyone know what the diagnosis is? Uveitis. Uveitis, that's good. That is correct. So this patient has uveitis in both his eyes. Uveitis in his right eye, uveitis in his left eye. देखिए right eye में हम mutton fat KPs मिल रहे हैं और इस आँख में हमें इतना कुछ मिल रहा है. We're seeing a lot of things. So this patient has bilateral uveitis. What is the cause of this uveitis? Penetrating injury. That's correct. In the right eye, in the left eye, the injured eye, इसमें तो penetrating injury मिल रही है, and we can say that all right. That penetrating injury is the cause of uveitis in this eye. However, in the right eye, there's nothing wrong. Why does this eye have uveitis? Hypersensitivity reaction. Are you thinking this is a hypersensitivity reaction? Type 1, type 2, type 3, type 4. Chalo, that's good. That's a good guess. Let me write it down. Thoda sa kareeb hai.
So one suggestion we have that this is a hypersensitivity. Sympathetic ophthalmia. Sympathetic ophthalmia, yeah, that's good. Hypersensitivity reaction. So one thing we have in hypersensitivity, and the second answer we've got is a sympathetic ophthalmia. Any other suggestions, any other differentials you have in mind? So basically, the answer, the correct answer is sympathetic ophthalmia. So, मुझे पता है कि बात थोड़ी सी आपके सरों के ऊपर से गुजरी होगी. Let me just take a step back. Let's see what is happening. My first patient आया है, he has had ocular trauma in his left eye. Ocular trauma क्या था? Penetrating injury थी. Penetrating injury के आपको पता है कि it can have a lot of things. हमने सारा इतना कुछ blind trauma में भी पढ़ा था. Penetrating trauma में कुछ भी जा सकता है अंदर, ठीक है. It has its own complications, own issues, prolapse, iris shape का मसला. अगर infection transmit किया जाए तो endiuveitis हो सकता है. वो बात समझ आ रही है. The thing which we are not able to understand is why the normal eye, because there is no history in trauma in the right eye, why the normal eye it is developing difficulty in vision, pain, discomfort, and why on examination it has these mutton fat keratic precipitates. This is what we are not able to understand. So keep in mind that whenever a patient who has penetrating trauma or injury in his one eye, if he develops uveitis in his normal eye, this is a condition called sympathetic ophthalmitis or sympathetic ophthalmia. क्यों होता है ये? It's not a hypersensitivity reaction per se. Type 1 hypersensitive reactions are IgE mediated, वो anaphylaxis होते हैं. Anaphylaxis is immediate. तो 10 दिन का जो gap आ रहा है, it's against hypersensitivity 1. Hypersensitivity 2 में आपको पता है कि antibodies involved होती हैं. There is no role of antibodies in this. So it's not type 2. Type 3 में आपको पता है कि serum sickness type होती हैं. तो it's unlikely given the history. Of this patient, there's nothing injected or nothing being removed from this eye. It can be a type 4 hypersensitive reaction. Yeah. So it can be a type 4 hypersensitive reaction. I don't know much about the pathophysiology, so you might be right. इस पे थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ेगा. So the main thing is that reaction or inflammation, sorry, penetrating trauma in one eye. The theory, जो मुझे याद है, is that it releases some of the antigens. Inside the blood, or it sensitizes the immune system. And what happens? The normal eye becomes inflamed. जब normal eye के अंदर inflammation होगी, तो what we will find? We will find the symptoms of uveitis. Most importantly, we will find mutton fat keratic precipitates. अब मैं आपसे start में पूछ रहा था कि mutton fat keratic precipitates और normal keratic precipitates में क्या फर्क होता है, और disease presentation में क्या होता है? Does anyone know uveitis? अगर आपने किसी ने पढ़ा है, mutton fat keratic precipitates size में बड़े होते हैं. तो मैंने जो इसमें थोड़ा सा याद किया है कि जो छोटे keratic precipitates होते हैं, they occur when the infectious agent or the stimulating agent जो inflammation cause कर रहा है, it is less dangerous. और जब ज़्यादा dangerous हो, for example, direct invasion है. अगर आप bacteria directly introduce करवा रहे हैं uvea के अंदर, ठीक है, if you're causing direct trauma, there will be a greater inflammatory reaction. Greater inflammatory reaction में macrophages निकलेंगे, lymphocytes निकलेंगे, and due to that, we will have mutton fat keratic precipitates. Okay, so this is why we will find mutton fat keratic precipitates. अब इसे sympathetic ophthalmia इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि जो normal eye है, it is sympathizing with the injured eye. उसके दुख और दर्द में शामिल हो रही है. उसके दुख और दर्द में शामिल होने का इसका तरीका क्या है? It's becoming inflamed itself. तो आगे हमें anterior uveitis मिलेगा, दोनों आँखों में मिलेगा. अब हमने fundoscopic examination की, तो हमें दो findings थी. एक तो serious retinal detachment थी. The second is this nodule over here. Why, what are these and why do we find these? ये दो सवाल जेन में आते हैं.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नोड्यूल्स हैं दे आर ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड दीज आर कॉल्ड डेलन फ्रूक्स नोड्यूल्स. आप इस टर्म रीड कर लीजिएगा. ये स्पॉट्स एंड पेरिफेरल रेटिना दीज आर एक्चुअली डेलन फ्रूक नोड्यूल्स. दिस इज दीज आर द स्पेलिंग्स. अब ये होते क्या है डेलन फ्रूक्स नोड्यूल्स. हम जो इसमें कंफ्यूज करते हैं वो है कि दो स्पॉट्स हैं जिनमें फूक्स का टर्म यूज होते हैं डेलन फूक्स नोड्यूल्स एंड द सेकेंड इज फॉस्टर फूक्स स्पॉट्स. So you should be able to differentiate between the two. Dehlin-Fuchs nodules are due to abnormalities in the RPE and they are present in sympathetic ophthalmitis. Foster-Fuchs are present in refractive error. Which refractive error? High myopia. Aur wo hemorrhage ki wajah se. Bilkul, hemorrhage ki wajah se hote hain. So these are Foster-Fuchs nodules. And the other question is, why does this patient have serous retinal detachment? इन्फ्लेमेशन होगी तो फ्लूइड जमा होता है और एक्सुडेट निकलता है. एंटीरियरली इट प्रेजेंट्स एज मटन फैट केपीज एंड ऑल दीज थिंग्स. Posterior अगर choroid inflammation होगा, choroiditis होगा, तो the patient can have serous retinal detachment. So it is actually a manifestation of choroiditis of that inflammation. Okay? Retina के layers के अंदर चला गया fluid. वहाँ से choroid inflamed हुआ है, choroid के अंदर जो fluid निकल रहा है, because आपको पता है कि इसके बिल्कुल नीचे at the macula is a choriocapillaris. वो fluid seep करेगा and that fluid will push this neurosensory retina away from the retina, dusra retina jo hota hai, photosensitive retina. Pigment. Pigmented retina, that's correct. Jab usse dur push karega, to we will have what? We will have this. Kya tha ye? Sorry, serous retinal detachment. So, serous retinal detachment and Foster-Fuchs nodules. Foster-Fuchs nodules, main repeat kar deta. These are yellowish nodules. Jisra hum case mein dekh rahe hain, they are present at the periphery. Sorry, Foster-Fuchs नहीं है, Dehlin-Fuchs है. Foster-Fuchs उसमें होते हैं, myopia में. These are Dehlin-Fuchs nodules. Dehlin-Fuchs nodules क्यों होते हैं? Choroiditis होता है. मैं पढ़ा ना choroid inflame हो रहा है. Choroid inflame हो रहा है, उसकी वजह से infiltrates उसे choroid vessel से बाहर निकल रहे हैं. तो ये infiltrates हमें कैसे नजर आते हैं fundoscopy पे? They appear as कैसे नजर आ रहे हैं हमें? इसमें जिस तरह हमें picture में नजर आ रहे हैं, they appear as somewhat whitish or yellowish oval spots. And why do these happen? Choroid is inflamed. ठीक है? वहाँ से deposits हो रहे हैं, exudates निकल रहे हैं, they're depositing. Where are they depositing? At the retinal pigment epithelial layer और उसके साथ ही. And how do they appear? These deposits, they appear as shown in this picture. What are they called? They're called Dehlin-Fuchs nodules. These are the findings in a patient who has sympathetic ophthalmitis. Now the question is, how can we treat this patient? हमें क्या करना है? ये मैंने पिछले का कॉपी किया हुआ है. Anti-inflammatory. Okay, that's good. And inflammation को हमने रोकना है. Inflammation को हम रोकना चाहते हैं. क्या use करेंगे हम inflammation को रोकने के लिए? Corticosteroids. That is correct. Steroids are the mainstay of treatment. ये दूसरा डिजीज है मेरे जहन में जो इस वक्त आ रहा है जिसमें सिर्फ जो स्टीरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टीरॉइड्स आपने लिखने लिखने हैं. एक और डिजीज है जिसमें स्टीरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कौन सा? ऑप्टिक न्यूराइटिस. स्टीरॉइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑप्टिक न्यूराइटिस. सो स्टीरॉइड्स आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट. दैट्स गुड. और हम क्या कह सकते हैं? थोड़ा सा वापस आ जाते हैं. जो हमारे पास इंजर्ड आया है उसको ठीक करेंगे पहले? उसको करेंगे, हो गई है पहले से.
नहीं देखो उसमें भी तो यूवेइटिस, उसमें भी तो इन्फ्लेमेशन है, हमारे पास दो आंखें हैं। देखो ओरिजिनल इंजरी इस आंख में थी जिसमें पहले गड़बड़ हुई, फिर उसके बाद इंजरी इस आंख में ट्रांसफर हो गई। तो हमारा जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे हाँ नहीं हाइफीमा खुद रिजॉल्व हो जाता होता है यूजली। आप मतलब अगर रिजॉल्व नहीं करता परसिस्टेंट है तो बिल्कुल हाइपोपोयन को भी हाइफीमा दोनों को कर देते हैं एस्पिरेट। बट द थिंग इज व्हेनेवर यू आस्क इनको एस्पिरेट करेंगे तो यू शुड से नो, दे शुड दे स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व। हाइपोपोयन कैसे है हाइफीमा का आई एम नॉट श्योर, मुझे देखना पड़ेगा। तो द मेन थिंग व्हिच आई वांट टू से ओवर हियर इस पे बस गौर करें, द इंजरी इट स्टार्टेड इन वन आई, ठीक है, इन द इंजर्ड आई एंड शोड साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। व्हाट हैपेंड, इट वाज ट्रांसफर्ड टू द अदर आई। सो इंजरी को हम ट्रीटमेंट को गौर करें तो द फर्स्ट थिंग वी वांट टू डू इज वी वांट टू स्टॉप द ट्रांसफरेंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। मतलब हम चाह रहे हैं कि पहली बात इस आंख में मसला डेवलप हो ही ना, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर मसला इसमें डेवलप हो गया है तब हम क्या करेंगे। तो अकॉर्डिंगली वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ, वी कैन कैटेगराइज आवर ट्रीटमेंट इन टू टू टाइप्स। One is prophylactic. Okay, number one, prophylactic. And the second is what? Curative. Agar usme masla ho gaya, if the eye has developed sympathetic ophthalmitis, then we need to do that. So curative mein hamare paas modality aa jati hai steroids. Think about what we can use as prophylaxis. Prophylaxis mein hum kya karenge? Antibiotics. Antibiotics are used for infection. So, इसमें बिल्कुल हो सकता है infection. Infection can be a cause. However, infection is usually not transmitted from one eye to into the other eye. Such long mark infection नहीं आती. Yeah, मतलब there needs to be an continuity between the two. So, it's unlikely that infection is being transmitted. तो थिंक अबाउट इट, सेशन में टाइम कम रह गया, मैं दोबारा एक लिंक भेजता हूँ, जल्दी से हम ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं देन वी विल बी फिनिश्ड। तो बुक से बेशक आप पढ़ लें कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आई विल बी बैक इन अ मिनट।